ए गम गम महकेला चदरिया चोप बाबा तो हरे ए चम चम चमकेला बोलिए अरे नहीं चम चम चमकेला मेरे साथ बोलिए आप लोग जो चुपचाप बाबा से मोहब्बत रखते हैं बोलिए मेरे साथ और मेरी माँ वाली भी सुन रही है तो भी बोले चम चम चमकेला चदरिया चम चम चमकेला चदरिया चुप बाबा तो हरे गम 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 महकेला चदरिया चोप बाबा तो हरे और जो बाबा के दरबार में आते हैं उनके बारे में शायर क्या करे मौलाना फरमाए तोहरे चौखटे वापे आए चम चम चमकेला बोलिए सुभान अल्लाह तोहरे चौखटे वापे आए पोचारा मुरादा फरमाए भोरवे समैया दिनवा सोमार हो भोरवे समैया दिनवा सोमार हो माका में पैदा भैलन माका में पैदा भैलन मदनी सरकार हो मदनी सरकार हो माका में पैदा भैल और मेरी माँ बहने इधर बैठी है तो बच्चों के साथ ये शेर पढ़ाना पड़ता है मचल के प्रभुत की सुभान अल्लाह और ये भी शेर कमेटी के जानिब से आप तक पहुंचा रहा हूँ मुरादा फरमाए मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह बुद्धवन के पूजत रहले बुद्धवन के पूजत रहले संसार हो और हमारे अख्तर भाई नहीं दिखाई दे रहे हैं अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो शेर मुरादा फरमाए बुद्धवन के पूजत रहले सगरो संसार हो बुद्धवन के पूजत रहले सगरो संसार हो आइले नबी जीता आइले नबी जीता पहले उजियार हो आइले नबी जीता पहले उजियार हो आइले नबी जीता और शेर तवज्जो के साथ में हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज अज़हर हुसैन अशरफी साहब जीवन का मुझे वरदान दिया और अपनी लगत का ज्ञान दिया अब इमाम हजरत सरकार वारिसी पाक के जो पुरखे में हैं जिनकी नसब में मेरे सरकार हैं यानी हजरत इमाम हुसैन अलैहि सलाम का भी एक बार तस्करा कर लिया जाए या हुसैन अब हुसैन या हुसैन या हुसैन या वारिस अब वारिस या वारिस ये याद रहना चाहिए बीच में मैं फिर बोलूंगा तो वक्त को जाये ना करते हुए मैं बहस करूं اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تفسير یہ ہوئی اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت ايو انعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ايو اليهود والنصارى
अब तर्जमा समाप्त कर ले। तर्जमा होता है आए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलाओ, वो रास्ता इस पर तेरा इनाम है। अब वो इनाम करता कौन है जो मैंने तफसीर बनाया है? आदमी दुआ करता है कि हम सीधे रास्ते पर चले, वो सीधा रास्ता कौन सा है? अब तो फर्क करनी पड़ेगी ना, इनाम याफ्ता कौन सा है? अब तो हमें जानने की जरूरत है नहीं, हर उनके तरीके मौजूद हैं, उनके वसूल और उसके तो हमें शोहदा पे हैं। इनकी इनका माना हदीसों कुरान में क्या आया कि इसका मफहूम फिर कहां से आया? जो इंसान अल्लाह के बारे में जाने वो क्या है? मुत्तकी। अब आइए, ऐसे नहीं समझ में बात आती है तो मैं आपको हदीस पाक की रोशनी में ले चलो। आलम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अरफा नफ्सहु फकद अरफा रब्बहु। जो इंसान अपना आरिफ हो गया, जो इंसान खुद का जानकार हो गया, वो अल्लाह का जानकार हो गया। जब जानकार हो गया तो क्या होता है? तो क्या फसुतुल लिसान, उसकी जुबान खामोश हो गई। फतकल्लमो अल्लाह, बस अल्लाह उस जुबान से बोलता है। अल आयुन नौ, उसकी आंखें सो गई। नजर तो अल्लाह, उस आंख से क्या है? अल्लाह देखता। बस मेरे कहाँ आया ये? इंसान का नाफिज होता है ना। अब रही बात की जो अल्लाह रब्बी का इनाम का जलवा देख रहा है, उसका मकसद क्या है? जो आरिफ होने के लिए रसूलुल्लाह ने बताया, इसका क्या मकसद है? अक्रबो इलैय मिन हब्लिल वरीद। इंसान क्या है? आदमी के वरीद में है, अल्लाह के शहे रद में है। इसका मतलब यह है कि चाहे कोई भी चीज हो, चाहे जो भी जानदार हो, उसके अंदर अल्लाह रब्बी का इनाम मौजूद है। और जब तक मौजूद है तब तक इंसान चल रहा है, निकल गया तो खात्मा हो गया। इसे मिट्टी में दफन कर दो, इसे आग लगा दो, या इसे खत्म कर दिया जाए, इसको न रखा जाए कि महक जाए। वही बोलता है, और जब बोलता है फिर उसको सोचाना बात कर रहा हूं कि जब ये बोलता है तो जब तक बोलता है और इंसान समझ गया तो समझ लीजिए अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देता है। जब जो अपने को समझेगा तब ना, जो अपने को समझ जाए अच्छा। इसके अलावा लफ्ज तकवा, तकवा समझते हैं, संतई समझते हैं। तो संतई जो संत लोग जो है अपना लेते हैं, गुरु मंत्र ले लेते हैं, वो तो गुरु मंत्र ले लिया और उसी में मस्त होने लगा, समझ गया ना। तो संत हो गया या सूफी हो गया या मुरीद हुआ तो पीर से इतनी मोहब्बत किया, इतना इश्क कर लिया कि पीर के सामने अब दुनिया की हर चीज ऐच हो गई तो वो मंजिले मकसूद को पहुंच जाएगा। अभी बल्ला या तो अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप समझने वाले हैं कि जो अपना आरिफ हो गया, तो मान लीजिए कि हम लोग ये अभी लगाए हैं नाम मौला वाजी बाग के दरगाह में एक शख्स आए अरे मौलाना साहब साहब तो आए तो कहते हैं कि मौला वाली शिफा आपकी जात से मुझे कोई इनकार तो नहीं है, आपकी जात से मुझे कोई इनकार नहीं है और आपकी बुजुर्गी से भी मुझे कोई इतराज नहीं है, मगर दूर दूर तक बुजुर्गों की फरिश्त में आपका नाम कहीं नहीं दिखता। दूर दूर तक आपकी वलायत में कहीं नाम नहीं दिखता, लोहे महफूज
नहीं है, आपका नाम नहीं दिख रहा है। तब मौला वाली से बाग में फरमाया कि हाँ हाँ तुमने सच कहा कि मेरा नाम कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए कि सबको वलायत अदा रब करता है और मुझे बकीनी मेरी दादी फातिमा ने दिया। अब इस लफ्ज पे बात, अब इस लफ्ज पे आप थोड़ी सी बात करते, दादी मियाँ ने दादी अम्मा ने दिया, कौन फातिमा जन्नत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा जो इमाम हसन और हुसैन के अम्मा है और मेरे मौला की दादी है। मेरे दोस्ताने मोहतरम जब आप हज करने के लिए गए थे पहली बार, वो आपको ये रंग और फकीरी हजरत खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा ये दरबार से आपको मिली, आपको ये आता की गई। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको रब आता करे वो अलग माने रखता है और जिसको खातून जन्नत दे दें तो वो दुनिया में एक ही जात है और एक वो जात मेरे माना वारी से पाक की है जो यहाँ भी अनमोल है और वहां भी अनमोल है। अच्छा, मेरे वारी से पाक है क्या, क्या इसे समझने की जरूरत है, क्योंकि हम वासी हैं और आज मेरा ख्याल थोड़ा सा बना है कि मैं अपने मिशन के तहत आप लोगों से बात करूं कि वारिसे पाक के सिलसिले में जो हम दाखिल हैं या वारिसे पाक की बरगाह में हम सबों की हाजिरी है, तो ये हाजिरी हमारी कैसी है और इस हाजिरी से हमें क्या मिलता है। बास लोग कहते हैं, बास ओलमा कहते हैं, अभी बीच में है भी आपना लखनऊ से थोड़ा आगे संडीला एक जगह है, वहां मैं जलसे में गया था, तो एक आलिम साहब ने मुझसे सवाल किया, साहब ये बताइए कि ये सिलसिला जो वारसिया है ये सोख्त है, सोख्त का माना होता है खत्म, तो वारिसे पाक के बाद कोई अब नहीं रहा और यहाँ पे खिलाफत भी नहीं, कहा कि आपको माइक पर चल के हम बता देंगे या यहाँ रूम में ही आपको बता देंगे। उन्होंने कहा अगर आप स्टेज से अगर करते हैं तो इतने सुनने वाले हैं सुन लेंगे और आजकल इसका जमाना है लोग इसमें रिकॉर्ड कर लेंगे, एक दूसरे तक भेज भेज के भी समझेंगे। मैंने कहा ठीक है चलिए स्टेज पर ही करा देता हूँ, मैं आपको बिल्कुल आसान जुमले में बताना चाहूँगा कि आपसे भी कोई ऐसा मिल सकता है, ऐसे तो वारसियों को जितना छेड़ा जाए उतने ही वो पुख्ता होगा, अगर वारसियों को छेड़ दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि और पुख्ता हो जाता है। क्यों, इसलिए कि मेरे मौला वारिसे पाक ने इरशाद फरमाया कि मोहब्बत करो मोहब्बत, ये मोहब्बत ही खुदा है। तो हमारे यहाँ मिशन मोहब्बत की दी गई, हमारे यहाँ मोहब्बत करने का हुक्म दिया गया, इसलिए लोग मजबूत होते चले जाते हैं। यहाँ हमें समझ में आता है कि जो बिल्कुल निपड़ है, जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल जिसको आज हम भी कह लिया जाए, अगर उसने या वारिस कह लिया है, अगर या हुसैन या हक हुसैन के सदा बुलंद कर दिया है, तो यकीन जान लो कि वो बड़े बड़े आलिमों से मुकाबला करने के लायक है। और मैं समझता हूँ कि लोग बात भी कर लिया करते हैं। मुलाजा फरमा